हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आफ्टर टेक पॉइंट। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी दो व्हाट्सअप की अमेजिंग ट्रिक्स जिससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं आपको बताता हूँ ये दो ट्रिक्स। पहली ट्रिक जो है, आपने क्या करना है, व्हाट्सअप ऑन करना है। व्हाट्सअप ऑन करने के बाद आप किसी भी फ्रेंड की पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये आई का बटन है जो ये शो हो रहा है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, इससे क्या होगा, आपने क्लिक करने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे ये लिखा हुआ म्यूट नोटिफिकेशन, इसको आप 8 घंटे की टाइमिंग लगा सकते हैं, 1 वीक लगा सकते हैं और हमेशा के लिए भी। म्यूट नोटिफिकेशन से क्या होगा, जब भी आपका दोस्त कोई मैसेज करेगा, कोई चीज़ सेंड करेगा, आप चाहते हैं कि उसका नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर ना आए तो नहीं आएगा। ये चीज़ आप ग्रुप में भी कर सकते हैं, जैसे ग्रुप में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बार बार स्क्रीन पर आते हैं, आप इससे तंग होते हैं, तो आप इस पर भी ये कर सकते हैं म्यूट नोटिफिकेशन, तो ग्रुप के मैसेजेस भी आपके पास नहीं आएंगे। तो ये थी अमेजिंग ट्रिक पहली। दूसरी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, दूसरी अमेजिंग ट्रिक क्या है, आप ये देखें डीपी पे क्लिक करें दोबारा इस तरह, और दोबारा आई के बटन पे क्लिक करें। आई के बटन पे क्लिक करके आपने नीचे का स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मीडिया विजिबिलिटी, इस पर आपने क्लिक करना है। अमूमन क्या होता है, आपके मोबाइल में जो भी चीज़ आपका दोस्त सेंड करे आपको व्हाट्सअप पर, वो आपकी गैलरी में चली जाती है। तो इसको नो करने से ना, यस हुआ आपको, उसने नो करना है इसको। इसको नो करने से क्या होगा, आपकी गैलरी में कोई भी चीज़ नहीं जाएगी, जो आपके दोस्त व्हाट्सअप पर सेंड करेंगे वो आपकी मोबाइल की गैलरी में नहीं जाएगी। तो है ना दोस्तों, ये दोनों अमेजिंग ट्रिक मैंने आपके साथ शेयर की। मैंने बोला दोस्तों आपके साथ शेयर करूं, ये छोटी सी ट्रिक्स थी। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।